सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। दो जहां के बीच छोटा सा ही फर्क है, सांस चल रही है तो यहाँ और रुक गई है तो वहाँ और रुक गई है तो वहाँ। वह व्यक्ति जिसे खुद पर भरोसा होता है वो अंत में दुष्टों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहता है। आज का पंचांग 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 5:43 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 1:02 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:25 से 5:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। इस साल करवा चौथ के दिन बेहद ही शुभ योग बन रहा है। करवा चौथ पर इस बार रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा। 24 अक्टूबर 2021 रविवार को सुबह 3:01 से चतुर्थी तिथि समाप्त। 25 अक्टूबर 2021 सोमवार को सुबह 5:43 पर चंद्रोदय का समय 8:07 पर दिखेगा। वृषभ राशि 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार, जो आपके ऊपर निर्भर है, जैसे बच्चों या पालतू जानवर उनका ध्यान रखें। जुए और कर्जे से बचें, ये चिंताएं आपको परेशान कर सकती है। रिश्तेदारों के साथ समय बिताएं, काम में आपका अधिक समय व्यतीत होगा, किंतु अपनी मेहनत से आप जल्द ही प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल आएंगे। आज हर किसी का ध्यान केवल आप पर होगा। आपकी मन स्थिति आज उत्साहित हो सकती है। जिन नई दिशाओं को आपने अब पाया है वो आपके लिए सुखद और हैरान करने वाली है। याद रखें कि इतिहास केवल उनको ही याद रखता है जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं और उनका पालन भी करते हैं। आज कोई रुका हुआ पैसा हासिल हो सकता है, इसीलिए प्रयासरत रहें। दिन के प्रथम पक्ष में ही पूरे करने का प्रयास करें। इस समय ग्रह स्थितियां उत्तम बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को सुकून और खुशी देगी। आलोचनाओं के कारण आपको दुख महसूस होगा, लेकिन आत्मनिरीक्षण करके दूसरी बातों में बदलाव करें। लोगों की राय को किस हद तक महत्व देना है ये बात जानने की आवश्यकता है। आज का दिन अपनी बातों को सुधारने के लिए खर्च होगा, जिसके कारण तनाव दूर हो सकते हैं। युवाओं को मिल रहे अवसर का पूरा फायदा उठाने की कोशिश बढ़ानी होगी। तनाव और नकारात्मक विचारों के कारण रिलेशन में उतार चढ़ाव महसूस होगा। सावधानियां, दोपहर बाद कोई अप्रिय समाचार या सूचना मिलने से घर में उदासी भरा माहौल रहेगा। अपने कार्यों को ध्यान से पूरा करें, जरा सी भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। पैसों की उधारी बिल्कुल ना रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज का दिन चिंता भरा रहेगा, जहां आपको अपने प्रयासों व मेहनत का मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन उदास ना हो और कोशिश जारी रखें। प्यार में आए बाधाओं को आप अपनी रचनात्मकता और सकारात्मकता से दूर कर लेंगे। विवाद या दुर्घटना की भी संभावना है। मूड के बदलाव के बाद भी चाहत में अपनी बेहतरीन उत्पादकता और आउटपुट आपको विशेष परिणाम से नवाजने वाली है। आज आप सबके आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। साथी के साथ का मजा लें। रोमांचक और मधुरता से भरे इन एहसासों को अपने दिल में संजो कर रखें। बात करते हैं करियर की। व्यवसाय में लाभ बढ़ाने और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास करें। आज के दिन अपनी मेहनत के सही परिणाम पाने का है। कौशल प्रशिक्षण भी आपकी कुशलता में विस्तार कर सकता है। पालतू जानवर और किराएदारों की परेशानियों के साथ साथ खुद के परेशानियों पर भी ध्यान दें।
आज आप सबके आकर्षण का केंद्र होंगी। आप में से कुछ अब नई जगह और नए प्रोजेक्ट का मजा ले रहे हैं और इससे आपके प्रयासों को नई शुरुआत मिलेगी। आपका काम आपको शानदार महसूस कराएगा। जीवन के इस नए दौर के लिए तैयार रहें। याद रखें, अपने सपनों का अनुसरण करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु अपने ब्लड प्रेशर आदि संबंधित जांच अवश्य करवाएं। आँख से संबंधित भी परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।